जो लोग अपनी विश के पीछे पूछते हैं कि मेरी विश कैसे पूरी हो, उसको उनकी विश पूरी करवाने का एक पावरफुल तरीका जो है वो अपनी थर्ड आई में उस विश को डालना है। इसका मैं आपको एक शॉर्टकट वे बताता हूँ कैसे चीज जल्द से जल्द जो है आपके भाव जो है अगर पूरे होना चाहें तो कैसे पूरे होंगे, क्या किया जाए जिससे पूरे हों। तो इसमें क्या करना होता है आपको, तो जो भी आपकी विश है, जैसे लॉ ऑफ अट्रैक्शन के जरिए लोग कहते हैं ना कि मेरा ये वाला भाव पूरा हो जाए, वो विश कैसे पूरी होती है उसकी सीधी सीधी बात करते हैं। आपको ना सबसे पहले आपको शांभवी मुद्रा लगानी सीखनी है, मतलब बेसिकली यहाँ पर आपका ध्यान लगाना है, ऐसे आपको आंखें ऊपर की तरफ करके ऐसे ध्यान लगाना सीखना है, शांभवी मुद्रा इस जगह पर ध्यान लगाना सीखना है। अब जो आपकी प्रॉब्लम है उसके ऊपर बात करते हैं, तो रात को जब भी आप सोने लगें तो शांभवी मुद्रा इस प्रकार से करके थोड़ी देर के लिए सोने का ऐसा प्रयास करेंगे। तो पहले आप खोल के भी कर सकते हैं थोड़ी देर के लिए, बाद में आंखें बंद कर लें, तो जो विश है ना उसको पूरा करने के लिए रखना, ध्यान लगाना इस जगह पर जहां पर येलो डॉट लगाया हुआ है, और फिर जो भी लक्ष्य आपने अपने लिए गोल बनाए हैं उनको एक एक करके सामने रखना है और पूरा होते हुए देखना है। बहुत ही पावरफुल है क्योंकि थर्ड आई के अंदर मैनिफेस्टेशन की पावर है। थर्ड आई जो है वो लॉजिक से पार है, थर्ड आई जो है वो लॉजिक से पार है। जैसे आप अपना ध्यान वहां लेकर जाते हो तो वहां आपके लॉजिक सारे ओवरकम हो जाते हैं, वरना बाकी सारी चीजें मन रिजेक्ट कर देता है। कोई भी चीज आप पाना चाहते हैं, कोई भी भाव है मन में कि ये चीज ऐसी होनी चाहिए, उसमें एक चीज तो जरूर ध्यान रखेंगे, ये जरूर ध्यान रखेंगे, आपको हमेशा कोई भी चीज मांगने से पहले ये जरूर कहनी चाहिए कि प्रभु अगर आपकी इच्छा है तो मेरी ये वाली बात पूरी हो जाए, अगर आपकी इच्छा है तो मेरी ये वाली चीज पूरी हो जाए। इससे हमारे अंदर ना तो कभी अहंकार आएगा, ना ही हम कोई ऐसी गलती करेंगे जिसका परिणाम बाद में भुगतना पड़े, क्योंकि अभी ये पूरा जीवन जो है उसी उल्टी सीधी विशेष को मांगने के कारण ही ऐसा हो रखा है। कुछ उल्टी सीधी विशेष को जो हमने मांगा है ना उसके कारण ही आज हम उल्टे सीधे ढंग से आज दुखी हो रहे हैं कि सुखी हो रहे हैं, ये हमारी अपनी हरकतों की वजह से है। इसलिए मैं आपको अच्छे से समझा रहा हूँ, जितना हो सके इस विष को अपने अंदर जो है आगे से जब विष मांगेंगे इसमें कोई गलती ना हो, ठीक है। विष मांगते हुए वो विष मांगनी है और ये लाइन पहले बोल के रखनी है, अगर आपकी इच्छा है, अगर आपकी कृपा है तो मेरी यह विश पूरी हो जाए, ऐसा भगवान से प्रार्थना करें। क्या मांगना चाहिए अगर मेरी नजरों से पूछो तो मेरी तो एक ही चीज सच्ची है कि जो चीज मुझे परमात्मा से जोड़ दे, ठीक है, जो चीज मुझे परमात्मा से जोड़ दे वो चीज ही मांगने लायक है, पर संसार भी चाहिए, ठीक है। तो हम जो नॉर्मली वर्ड यूज करते हैं, ध्यान के साथ साथ धन कमाओ, ध्यान के साथ साथ धन कमाना, दो ही मेजर चीजें हैं, ध्यान भी मिले, आत्मा का कल्याण भी हो और धन भी आए, इस तरह से विश अपनी रखनी चाहिए, ये प्रभु मेरे जीवन में इतना देना कि मैं निश्चिंत होकर अपने जीवन को भक्ति मार्ग की ओर आत्मा के कल्याण की ओर लगा सकूं। इसे बोलते हैं जोरबा द बुद्धा टेक्निक, मतलब मेरे जीवन का अंतिम गोल परमात्मा की प्राप्ति है, इस तरीके से परमात्मा की प्राप्ति है। बस मुझे इस बात को याद रखना है कि वो उस गोल तक पहुंचने के लिए बाकी सारी चीजें जो है वो साधन है जो मुझे सपोर्ट करती हैं। असली चीज अगर मेरे श्री परमहंस गुरुदेव जी की निर्देश के अनुसार, उनकी आज्ञा के अनुसार मैं कहूं तो वो है सच्ची भक्ति। जब भी मांगना परमात्मा की कृपा मांगना, भक्ति मांगना, हिसाब किताब नहीं करना परमात्मा के साथ, भक्ति मांगना, प्रेम मांगना। हाँ, उसके साथ साथ आपको लगता है कि हाँ मुझे मेरे रिश्ते भी सुधारने हैं तो जरूर रिश्ते भी मांगे कि मेरे रिश्ते सुधरें, बेटर हों। धन की जरूरत है तो कहिए प्रभु हाँ धन भी चाहिए, आत्मा का कल्याण करना है। जो भी चीज आपको नहीं दी जा रही ना, इसका मतलब उस चीज की आपकी लर्निंग कंप्लीट नहीं हुई है, वो आपको नहीं दी जा रही। इसलिए परमात्मा जब भी देगा आपको चीजें सिखाने के बाद ही देगा, ठीक है। तो इसलिए जहां तक कोशिश करें, आप मेरी बात को समझ गए होंगे, तो प्रयास कीजिए इसको ऐसे करके, और अपने कल्याण के लिए जो भी रास्ता मैंने आपको बोला इसको इस तरीके से, कल्याण का जो रास्ता है वो अपने अपना जो
सच्ची मांग अपने दिमाग में रहे, उस मांग को रिपीट कीजिए और यहां लगाकर रिपीट कीजिए। कितने दिन तक ऐसा करना है? 5-6 दिन में काम हो जाएगा अगर आप इस तरीके से ध्यान लगाते हैं तो। और अगर आप केवल भक्ति की बात करते हैं, केवल परमात्मा की बात करते हैं, तो यहां ध्यान लगाकर आप अपने गुरु का ध्यान कीजिए। अगर ध्यान करने लायक ही है कोई तो वो सदगुरु ही है। तो ध्यान मूलम गुरुर मूर्ति, पूजा मूलम गुरु पदम, मंत्र मूलम गुरुर वाक्यम एंड मोक्ष मूलम गुरु कृपा। अगर कुछ मांगने ही लायक है तो फिर गुरु गुरु की कृपा ही मांगने लायक है। तो मांग लेना परमात्मा से, सच्ची चीज मांगना, ताकि मन जो है वो इधर उधर ना जाए, मन भटके नहीं, मन सच की राह पर चले। ठीक है, क्योंकि आपकी थर्ड आई जो है वो इतनी पावरफुल है कि वो रास्ता देती है आपके आत्मा के कल्याण का। इसलिए ध्यान को यहाँ लगाकर आत्मा के कल्याण का ये रास्ता मांगना ऐसा। और भक्ति की दात ही अल्टीमेट चीज है। यहाँ ध्यान लगाया, जो लक्ष्य आपने रखे हैं उनको यहाँ पर एक एक करके विजुलाइज किया और धन्यवाद का भाव लेकर आए कि प्रभु आपकी कृपा से मेरे जीवन में ध्यान भी आए और धन भी आए, ऐसी मांग करके अपनी आत्मा का कल्याण करें। सीधा सीधा स्पष्ट सा आसान सा सिंपल सा रास्ता है। और भक्ति क्या है? भक्ति की अगर मांग साथ में जोड़ी जाए तो भक्ति की मांग, भक्ति को समझना जरूरी है, परमात्मा के प्रति प्रेम का भाव, परमात्मा से पहले अपनी आत्मा के प्रति प्रेम का भाव। मन में प्रेम आता है, मन में श्रद्धा जागे, मन में प्रेम जागे, क्योंकि परमात्मा की भक्ति के बिना, मेरे गुरुदेव फरमाते हैं कि अगर संसार के समस्त साधन एक तरफ रख दिए जाएं और एक भक्ति को अलग रख दिया जाए, तो एकमात्र भक्ति जो है वो सब सुखों की खान है। इसलिए परमात्मा से उसकी सच्ची भक्ति ही मांगने का भाव रहना चाहिए। राइट, मैं रामचरितमानस में का उदाहरण आपको दे रहा हूं। रामचरितमानस में भगवान श्री रामचंद्र जी महाराज फरमाते हैं, देखो कितने प्यार से सुंदर वचन, देखो, जाति पाति कुल धर्म बड़ाई, धन बल परिजन गुण चतुराई, भक्तिहीन नर सोहे कैसा, बिन जल बारद देखे जैसा। रामचरितमानस तीसरे खंड में 34-35वां श्लोक है। तो समझना, जाति पाति कुल धर्म बड़ाई, धन बल परिजन गुण चतुराई, इंसान के अंदर सारी अच्छी चीजें हों, अच्छी ऊंची जाति हो, ऊंचा कुल हो, धर्म हो, खूब संसार में मान सम्मान हो, धन हो, बल हो, खूब लाभ लश्कर हो, गुण हो, चतुराई हो, लेकिन सब कुछ होते हुए भी अगर उसके अंदर परमात्मा के प्रति प्रेम नहीं है, भक्ति नहीं है, तो वो ऐसा है जैसे बिना पानी के बादल। भक्ति बिन ऐसा है जैसे बिना पानी के बादल हो। हम ऐसे तो नहीं बनना चाहेंगे। इसलिए प्रेममयी भक्ति मांगना, प्रेममयी भक्ति मांगना परमात्मा से कि प्रभु अगर देना ही है, अगर मांगने की चीज है, तो फिर सच्ची चीज क्यों ना मांगी जाए, वो देना प्रभु, वही मांगना, वही मांग रखेंगे और वही मांग से मिलेगा वैसे। और क्या फरमाते हैं देखो उनकी बात, नवदा भक्ति कहूं तो ही पाई, सावधान सुन धर्मन माही, प्रथम भक्ति संतन कर संगा, दूसर रति मम कथा प्रसंगा। भगवान श्री रामचंद्र जी महाराज ये किसको फरमा रहे हैं? ये भीलनी माता को फरमा रहे हैं। मैं अपनी नवदा भक्ति कहता हूं तो ध्यान से सुन और मन में धारण कर। पहली भक्ति है संतों का संग और दूसरी है मेरे प्रसंग में प्रेम पैदा होना। मतलब भगवान फरमा रहे हैं कि मेरे प्रसंग में, मेरी लीलाओं में, मेरे बारे में सुनना और मेरे प्रति प्रेम का पैदा होना, ये है नवदा भक्ति का दूसरा सुंदर गुण। ऐसे ही फिर गुरु पद पंकज सेवा, तीसरी भक्ति अमान, चौथी भक्ति मम गुण करे कपट तज गान। भगवान क्या फरमाते हैं? मेरे गुणों का गायन कर, चिंतन कर, अगर करना चाहते हैं भगवान गुरु के चरणों की सेवा कर। गुरु पद पंकज सेवा, तीसरी भक्ति अमान, इस तरीके से अभिमान रहित होकर। मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा, पंचम भजन सो वेद प्रकाशा, छठ दमशील बिरत बहुकर्मा, निरत निरंतर सज्जन धर्मा। कहते मेरे राम मंत्र का जाप कर। भगवान श्री रामचंद्र जी फरमा रहे हैं, हम रामलला को पूजते हैं, रामलला की बात माने तब बजा है, पूजते हैं, बहुत सुंदर है, लेकिन उनकी बात भी समझे। रामचरितमानस में सीधा सीधा फरमा रहे हैं कि मुझ पे दृढ़ विश्वास रखना, भरोसा रखना। भगवान फरमा रहे हैं मुझ पर भरोसा रख, मैं तेरे सारे कार्य संवारूंगा। छठी भक्ति है जो इंद्रियां हैं उनसे थोड़ा सा दूर करना, अपने आप को दूर करना, संसार के जो सुख हैं जिनके पीछे इंसान पागल हुआ रहता है, उनसे थोड़ा सा विरक्त हो जाना और लगातार अपने इष्ट का, गुरु का ध्यान करना।
लास्ट में सातम सम मोहे मैं जग देखा, कि मेरे अंदर सारा संसार समाया। भगवान फरमा रहे हैं मेरे अंदर सारा संसार समाया है और मैं सारे संसार में समाया हूँ। मोते संत अधिक कर लेखा, मुझसे ज्यादा संतों का सम्मान करना। ये भगवान फरमा रहे हैं, अगर संतों में और मुझ में, यानी भगवान में, संतों में और मुझ में कंपैरिजन करना पड़े तो मुझसे ज्यादा प्रेफरेंस संतों को देना। आठम जथा लाभ संतोषा, यानी ऐसी अवस्था में आ जाना जैसे जो मिल जाए उसी में संतोष करना। और स्वप्ने हो नहीं देखे पर दोषा, स्वप्ने में भी किसी दूसरे के दोष नहीं देखना। ये आठवीं भक्ति है। और फिर नौवीं भक्ति कहा कि नवम सरल सब सन छल ही ना, मम भरोसे हीर ये हर्ष नदी ना, नवम महु एक जीने होई नारी पुरुष सचराचर कोई। कहते नौवीं भक्ति है सरलता, मानी बंदे का सीधा होना, बहुत ज्यादा टेढ़ी, बहुत ज्यादा चालाकियां नहीं, सबके साथ कपट रहित होकर बर्ताव करना, यानी ऊपर से कुछ और अंदर से कुछ और कपट ऐसा बर्ताव नहीं। हृदय में मेरा भरोसा रखना और किसी भी, मेरा भगवान कह रहे हैं मेरा भरोसा रखना और किसी भी अवस्था में हर्ष और विषाद का ना होना, यानी जैसा है मन को शांति सम अवस्था में रहना। ये आज सातवीं भक्ति है। मैं आपको अपने अनुभव से बोल रहा हूं, ये एक मात्र अगर आपके मन में आ गए ना ये वाली, ये आपका पैरामीटर है, मापने का तरीका है, मापने का तरीका है कि ये अगर आपके अंदर इनमें से एक भक्ति भी आ जाए, भगवान फरमा रहे हैं अगर आपके मन में संभाव आ गया तो मतलब आपके ने पिछली सारी भक्तियां सिद्ध कर ली हैं, ऐसा समझो। अगर नौ में से एक भी जिसके अंदर आ जाए, वो स्त्री पुरुष जड़ चेतन कोई भी हो, उसके लिए कहते हैं सोई अतिशय प्रिय भामनी मोरे सकल प्रकार भक्ति दृढ़ कर दृढ़ तोरे। भगवान श्री रामचंद्र जी महाराज जो है भामिनी यानी कि माता भीलनी को फरमाते हैं, कहते हैं कि जो जिनमें से एक भक्ति भी हो ना वो मुझे बहुत प्यारा लगेगा, और तुम्हारे अंदर तो नौ की नौ पूरी है। जोगी बृंद दुर्लभ गति जोई, सोत कहूं आज सुलभ भई सोई। जो योगियों को भी जो गति नहीं मिलती वो मेरे सम्मुख आ जाने पर इंसान को प्राप्त होती है। और माँ को ये कह रहे हैं मम दर्शन फल परम अनुपा, जीव पावे निज सहज रूपा। मेरे दर्शनों का फल परम सुंदर है, जो मुझे अंदर से पा लेता है वो अपने सहज स्वरूप को पा लेता है, इसलिए मेरे दर्शन का फल। अब भगवान रामलला के रूप में वहां विराजमान है, उनके दर्शन करना, अपने गुरु के दर्शन करना या अपनी आत्मा के दर्शन करना, तीनों एक ही बात है। मैंने सदा से ही ये बात कही है, फिर रिपीट कर रहा हूं कि आत्मा, परमात्मा और गुरु, इन तीनों के नाम अलग अलग हैं, फंक्शन अलग अलग दिखाई देते हैं, वास्तव में तीनों का गुण एक है। तो यही आत्मा ही इसमें परमात्मा समाये हैं, यानी राम समाये हैं, और राम और गुरु में कोई भेद नहीं है, और गुरु में और आत्मा में कोई भेद नहीं है, ये तीनों एक ही हैं, एक ही डायरेक्शन की तरफ जा रहे हैं। तो किसी एक पार्ट को भी पकड़ लेंगे तो आत्मा का कल्याण हो जाएगा। बड़ा सुंदर है, बड़ा प्यारा है ये चीज, तो पकड़ लेना, धन्य भाग समझना कि हमारे जीवन में ये बात हमें, मुझे हमें बात को पकड़ लिया है। तो इस तरीके से आप अपनी आत्मा के कल्याण का सीधा सीधा रास्ता पकड़ो, राइट। तो ये एक बेसिक रास्ता है भक्ति का। कोशिश करके अपने जीवन में भक्ति को जितना प्यार से स्थान दिया जाए, वो अपनी आत्मा के कल्याण का एक परम सुंदर साधन है, राइट। इसी तरह से भगवान आगे भी भक्ति की अलग अलग तरीकों से महिमा गाते हैं। मैं बहुत लंबा उस पॉइंट को नहीं लेकर जा रहा हूं, लेकिन फिर भी जब भी बात होती है वो उसी भक्ति की बात होती है। नाथ भक्ति अति सुखदायिनी, देह कृपा कर अनपायिनी। भक्ति मतलब परमात्मा के प्रति अटूट प्रेम। और जो परमात्मा से प्रेम नहीं कर रहे हैं ना, वो तरह तरह के तमाशों में उलझी उलझी, पता नहीं किस किस से प्रेम की प्रीति की लगाए बैठे हैं, अपनी पत्नी से और अपने पति से, और उम्मीदें ऐसी क्विंटल के हिसाब से कि मेरे इसको ये करना चाहिए, वो करना चाहिए, संसार के लोगों के प्रति इतनी उम्मीदें, मेरी सास को और मेरे बहू को और मेरे पोते को और मेरे बच्चे को मेरे प्रति ऐसा व्यवहार करना चाहिए, ऐसे लोग अपने अंदर मान के व्यर्थ की कल्पनाएं करके दुखी हो रहे हैं। ये बात आज समझ लो, 10 साल बाद समझ लो, या 10 जन्म बाद समझ लो,
भक्ति के बिना, परमात्मा के साथ जुड़े बगैर आत्मा को ना कभी सुख मिला है ना कभी मिल सकता है। अब कैसे पकड़ोगे आप, कैसे बात को जल्दी कितनी जल्दी पकड़ोगे, ये आप पर हम पर डिपेंड करता है। इसलिए सीधी सीधी बात को पकड़ो कि सच्चा प्यार परमात्मा के प्रति हमारे अंदर हो, भक्ति का ऐसा कल्याण हो, ऐसा हमारे मन में भाव रहे, आत्मा का कल्याण हो, अपना यहां भी सुखी और वहां भी सुखी, हर तरह से हमारी आत्मा को सुख मिले, ऐसा हमारा ये भाव है। तो भक्ति की ही मांग परमात्मा के आगे करें, हम अपने गुरुदेव के आगे ही करते हैं, भक्ति दान मोहि दीजिए गुरुदेवन के देव, और नहीं कछु चाहिए निश्चिंत तुमरी सेव। जब मैं हाथ जोड़ के प्रार्थना कर रहा हूं, आप यहाँ बारात में आए हैं क्या, सब बैठ के देख रहे हैं, प्रार्थना मतलब प्रार्थना, जब प्रार्थना करने को की कहा जाए तो प्रार्थना कीजिए, प्रार्थना कीजिए, मांग रहे हैं अपने गुरु से, क्या मांग रहे हैं, भक्ति की दात मांग रहे हैं, मांगो मांगो, भक्ति दान मोहे दीजिए गुरुदेवन के देव, और नहीं कछु चाहिए निष्दिन तुमरी सेव, और नहीं कछु चाहिए निष्दिन तुमरी सेव। कुछ और नहीं मांग रखी, एकमात्र भक्ति, एकमात्र भक्ति, मन में प्यार हो परमात्मा के प्रति भी और संसार के समस्त जीवों के प्रति प्रेम का भाव आए, प्यार भरी मांग जो है अपने इष्ट गुरु भगवान के चरणों में सदैव होनी चाहिए। तो इस मांग के साथ ही हमारे जीवन का लक्ष्य जुड़ा हुआ है, आत्मा का कल्याण अब भी होगा तब भी होगा, इस लोक में परलोक में सदैव सदगुरु परमात्मा साथ रहेंगे, उनकी कृपा साथ रहेगी, वरना ये परलोक के दुख जो है बड़े टफ हैं, बड़े कठिन हैं। मांगना परमात्मा से, भक्ति की मांग करना, सच्ची मांग करना, इस आत्मा का कल्याण हो सके। अभी बात को बस छोटे में रखूंगा, यूट्यूब पे इसको ओवर करते हैं, ज्यादा लंबा नहीं खींचते, ताकि लोग इसको जितना इसको देखना है वो अपनी इसी बात को यहाँ पर समाप्त करते हैं।